क्या है? कुछ लोग बोलते हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो मैं कहीं को मैं योग सिंह कुशवाहा कहता हूँ कि तुमने तो ऑलरेडी बना रखा है। इस देश में 99.2% तो तुमने ऊपर से लेकर नीचे तक, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे अधिकारी कर्मचारी हो, चाहे बिजनेस हो, मैं पत्रकार हो, सब तो तुमने हिंदू हो, हिंदू रखा है। तो लेकिन मैं हिंदू से पूछना चाहता हूँ कि उन हिंदुओं की जमात तुम कहाँ हो? कहाँ है कुशवाहा, कहाँ है यादव, कहाँ है कुर्मी, कहाँ है नाई, कहाँ है तेली, कहाँ है धोबी? मैं और हिंदुओं से पूछना चाहता हूँ, आज मैं आपके पास भाषण दे रहा हूँ, तो लोग मंच तक जब वहां सड़क से निकलते होंगे तो माधुरी जी को और मुझे देखकर लोग कहते होंगे देखो मुसलमानों के बीच में हिंदू भाषण दे रहा है। लेकिन मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब यही जो लोग इस मंच को छोड़कर बाहर जाते हैं तो मैं फिर हिंदू को नहीं रहता, मैं फिर काची को भी नायक को भी यादव भी गरिया हो जाता हूँ। फिर अंतर जाति विवाह कैसे आ जाता है? तो मेरे भाइयों इन्हें डर लगने लगा है कि कहीं इस देश के लोग अपना हक ना मांग लें, इस देश के लोग अपनी बात ना रखें, इसीलिए इनको कमजोर करो, एनआरसी एनपीआर में फंसाओ, बहस करने का मुद्दा बनाओ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इससे पहले हमारे बीच हमारे एक और मेहमान योगेश कुशवाहा जी को बुलाऊंगा कि वो आए और वो अपनी बात करें। धन्यवाद भाई साहब। मैं भोपाल से चलकर आया इंजीनियर योगेश सिंह कुशवाहा। मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूं कि निरंतर हम लोग 10 दिसंबर से इस काले कानून के खिलाफ भोपाल की सड़कों पर थे, निरंतर जगह जगह पे रोडों पर खड़े होकर अपना प्रदर्शन करते थे। फिर 1 जनवरी से हमने भोपाल सत्याग्रह इकबाल मैदान में चालू किया। आज बधाई देना चाहता हूं कि हम 7 दिन पूरे कर चुके। बात एनआरसी एनपीआर सीए की है। लोग मुझसे बोलते हैं कि योगेश तुमको इससे क्या समस्या है? सवाल भी उनका वाजिब है कि जब सीए इस देश में लागू है, सीए पे चर्चा है, तो जो गैर मुस्लिम अगर छूट भी जाएंगे तो उन्हें वो सीए के रास्ते से बैकडोर से उन्हें वापस ले लेंगे, तो तुम लोग इसको परेशान हो, तो समस्या है। तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूं कि वास्तविक जो लड़ाई है वो हिंदू मुस्लिम या मेरी तुम्हारी तो है ही नहीं, ये लड़ाई हमारी है, ये लड़ाई इस देश के नागरिकों की है और इस देश के नागरिक में जाति धर्म ऊंच नीच नहीं देखी जाती। संविधान के बचाव की लड़ाई है। एनआरसी एनपीआर सीए सीधा सीधा संविधान के अनुच्छेद धारा 14 धारा 15 का उल्लंघन करती है। यह वर्णन करती है आपके अधिकारों का, यह हिंसा करती है आपके जो संवैधानिक अधिकार है उनका। मैं आप सब लोगों से बोलना चाहूंगा कि हमें इसके खिलाफ निरंतर लड़ना होगा। लोग कहते हैं कि तुम्हें मोदी और अमित शाह से नफरत क्यों है, तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूं कि अगर यहां उपस्थित और इस पूरे देश में लोगों से मोहब्बत करना सीखोगे, मोहब्बत करोगे, तो इन दोनों से तो नफरत स्वतः हो जाएगी। सब लोग एक ही बात करते हैं कि तुम्हें इनसे दूर रहना चाहिए, इनके लिए नहीं लड़ना चाहिए, तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूं। यहां माधुरी जी बैठी है, आबिद भाई बैठे हैं, जावेद भाई बैठे, हमारे काजल जी आए हैं, इन सबको पता है कि सबसे लड़कर उसके बावजूद हमने रात रात वहां रुक के अपना संघर्ष जारी रखा। मैं उनसे एक ही बात कहा कि मेरे चेहरे से जो जाहिर है, मेरे चेहरे से जो जाहिर है उसे छुपाओ कैसे, तेरी फितरत के मुताबिक नजर आऊं कैसे। घर बसाने का तसव्वुर तो बहुत बार का है, पहले यह सोचना होगा कि उस घर को बचाऊं कैसे। हम सब लोगों ने मिलकर बात को रखा, ये बताना चाहा कि लड़ाई केवल मुसलमानों की नहीं है, यह हमला केवल मुसलमानों पर नहीं है। कुछ लोग एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि लड़ाई केवल मुसलमान की है, कुछ लोग एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि हमला केवल मुसलमान पर है, लेकिन मैं उनसे बताना चाहता हूं ये इस देश के पूरे 130 करोड़ लोगों पर हमला है। ये उनसे भी पूछा जाएगा जो बड़ी 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 इमारतों में रहते हैं, बड़ी बड़ी कारों में घूमते हैं, ये उनसे भी पूछा जाएगा कि पहले तुम सिद्ध करो कि तुम्हारे देश में तुम इस देश के नागरिक हो कि नहीं हो। तो मैं आपसे साफ साफ कहना चाहता हूं कि जब आपने हम पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, जब आपने हमें नागरिक मानने
स्वीकार कर दिया है, तो हम गैर नागरिक लोगों से सिलेक्ट होकर तुम देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कैसे? तुम कागज दिखाने की बात करते हो, हम दिखाएंगे कागज। अगर तुम्हें लगता है कि कागज दिखाकर सब कुछ होगा तो हम दिखाएंगे कागज। लेकिन मैं पहले अमित शाह से पूछना चाहता हूं कि गुजरात के न्यायालय ने जो तरीका क्यों किया था, पहले तुम इसके कागज दिखाओ। यहां से दानिश आबिद ने यासर ने नहीं किया था उसको तरीपार, इस देश के न्यायालय ने उसको तरीपार किया था। और ये न्यायालय ने तरीपार किया था तो मुझे तो अफसोस की बात है कि इस देश में जो व्यक्ति न्यायालय द्वारा तरीपार किया गया वो आज देश का गृहमंत्री है। शर्म आनी चाहिए हमको, शर्म आनी चाहिए भाजपा को, शर्म आनी चाहिए देश की सरकार को कि उसने ऐसे व्यक्ति को, ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति देश का गृहमंत्री बताया जिसका खुद को न्यायालय ने बाहर किया था। आज वो तय करेगा कि कौन इस देश में रहेगा, कौन इस देश में नहीं रहेगा। शर्म आनी चाहिए। हम सब लोगों ने इस चीज के लिए लड़े। क्या है एनआरसी, एनपीआर और सीए क्यों है? मैं बता देता हूं मेरे भाई, इस देश में लोग हक की बात ना करें, इस देश में लोग शिक्षा की बात ना करें, इस देश में लोग रोजगार की बात ना करें, इसीलिए उनको फंसाने के लिए, उन्हें बड़गड़ाने के लिए, उन्हें बैठक फंसाने के लिए देश में एनआरसी सीए लेकर आए। आज यहां उपस्थित मैं बुजुर्गों की बात नहीं करूंगा, मैं युवाओं की बात नहीं करूंगा, लेकिन मेरे भाइयों, इस देश में 100% बच्चे स्कूल जाते हैं, उन्हें डर इस बात का कि अगर 100% बच्चे कल पड़े होकर इस देश में अपने हिस्सेदारी मांगेंगे, ये 100% लोग अगर इस देश में अपने बच्चों को बोलेंगे कि हमारा बच्चा भी आईएएस बनेगा, हमारा बच्चा भी डॉक्टर कलेक्टर इंजीनियर बनेगा, तो हम कहां से देंगे? क्योंकि हमने कब्जा कर रखा है इस देश में। लड़ाई केवल इस बात की, केवल प्रतिनिधित्व का मामला है, ये देश का आरक्षण संविधान और प्रतिनिधित्व खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए आपको एनआरसी सीए की बहस में फंसाना चाहते हैं। हम सब लोगों को सोचना होगा, एक दूसरे को समझाना होगा। मैं आपसे भाइयों से भी बोला कि आपको जब एनआरसी, देखो सबसे बच्चों के एनआरसी सीए क्या है, सबको डेफिनेशन क्लियर है। माधुर जी ने भी एनआरसी सीए को एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि उन्हें मालूम है कि यहां उपस्थित 43-44% लोग एनआरसी सीए को अच्छे से पहचान चुके हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपना ऑडियन बदलो, आप अपना सुनाने वाला, आप सुनने वाला बदलो। आपको किसी दलित, ओबीसी या गैर मुस्लिम को जाकर सुनाना चाहिए, आपको अब मुसलमान को सुनाने की जरूरत नहीं है। मुसलमान समझ चुका है, सीख चुका है कि एनआरसी एनपीआर क्या है। जब तक इस देश में आप गैर मुस्लिम को अपने साथ नहीं लोगे, आप ओबीसी को अपने साथ नहीं लोगे, आप दलित को अपने साथ लोगे, नुकसान इस बात का है कि हमने उनसे पूछा नहीं कि तुम किस तरफ हो। नुकसान इस बात का है कि हमने पूछा नहीं कि तुम किस तरफ हो, तो उनको यह लगा कि हमसे पूछा नहीं गया तो शायद हम इस तरफ हैं। हम चाहते हैं, हमें हमारे लोगों से जाकर पूछना होगा, हमें उन गरीब लोगों से जाकर पूछना होगा कि इस देश में सत्ता व्यवस्था किन के हाथ में है। 86% लोग इस देश में आज पीड़ित है, प्रताड़ित है, जिन्हें न शिक्षा का भंग है, रोजगार की व्यवस्था है, न उनके रहने खाने की व्यवस्था है। हमें उनको तैयार करना होगा। सामाजिक क्रांति होनी चाहिए, मैं तो कह रहा हूं देश में इमरजेंसी होनी चाहिए, देश में इमरजेंसी होनी चाहिए, देश में आपातकाल होना चाहिए, 10 साल तक आपातकाल होना चाहिए। न कोई पुल पे बात करो, न कोई रेल पे बात करो, न कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बात करो, केवल सामाजिक उत्थान की बात करो। 10 साल तक केवल स्कूल शिक्षा की बात होनी चाहिए, 10 साल केवल यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग की बात होनी चाहिए, 10 साल के पहले अपने आजाद जो मुल्क के जो नागरिक है उनकी शिक्षा कैसे व्यवस्थित हो, उनके रोजगार कैसे व्यवस्थित हो, उनकी स्वास्थ्य कैसे व्यवस्थित हो, 10 साल तक केवल इस पर व्यवस्था होना चाहिए, इस पर बजट पेश होना चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, हम क्योंकि न तो हम बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले लोग हैं, न हम बड़ी यूनिवर्सिटीज है, हमारे आपके पास है क्या, वजह क्या है? कुछ लोग बोलते हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो मैं कहीं तो मैं योग सिंह कुशवा कहता हूं कि तुमने तो ऑलरेडी बना रखा है। इस देश में 99.2% तो तुमने ऊपर से लेकर नीचे तक, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे अधिकारी कर्मचारी हो, चाहे बिजनेस हो, मैं पत्रकार हो, सब तो तुमने हिंदू हो, हिंदू रखा है। तो लेकिन मैं उन्हें हिंदू से पूछना चाहता हूं कि उन हिंदुओं की जमात तुम कहां हो? कहां है कुशवाहा? कहां है यादव? कहां है कुर्मी? कहां है नाई? कहां है तेली? कहां है धोबी? मैं और हिंदुओं से पूछना चाहता हूं। आज मैं आपके पास भाषण दे रहा हूं, तो लोग मंच तक जब वहां सड़क से निकलते होंगे तो माधुरी जी को और मुझे देखकर लोग कहते होंगे देखो मुसलमानों के बीच में हिंदू भाषण दे रहा है। लेकिन मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं कि जब यही जो लोग इस मंच को छोड़कर बाहर जाते हैं तो मैं फिर हिंदू क्यों नहीं रहता? मैं फिर काची को भी नायक के लिए आगे भी बढ़िया क्यों हो जाता हूं?
तरीके से आ जाती है, फिर अंदर जाते भी कैसे आ जाता है। तो मेरे भाइयों, इन्हें डर लगने लगा है कि कहीं इस देश के लोग अपना हक ना मांग लें, इस देश के लोग अपनी बात ना रखें, इसीलिए इनको कमजोर करो, एनआरसी एनपीआर में फंसाओ, बहस करने का मुद्दा बनाओ। लोग बोलते हैं कि साहब शाहीन बाग और ये इकबाल मैदान और देवास और इंदौर से क्यों परेशान है लोग। तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ, एक किस्सा सुनाऊंगा, एक बात को खत्म करूंगा। मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ कि एक दरबार था, एक दरबार में राजा कोटता सुंदर नृत्यांगना नृत्य कर रही थी। नृत्य करते करते नृत्यांगना के अंदर एक सवाल उठता था कि मेरे राज मुझे राजन से एक सवाल पूछना है। उन्होंने पूछा, हे राजन, क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकती हूँ? तो राजा बहुत ही बुद्धिजीवी, तो उसने बोला, पूछिए, क्या पूछना है? तो वो बोलती है, हे राजन, जब सुंदरता बढ़ रही थी तब कहाँ थे? इतने क्रोध हो कि देश का भी घिन आती है, तो सुंदरता बढ़ रही थी तब कहाँ थे? कोई दूसरा राजा होता, कोई बुद्धिजीवी राजा ना होके कोई ऐसे ही जाहिर गवार होता, तो अलूट तलवार लेकर नृत्यांगना का सिर धड़ से अलग कर देता। लेकिन राजा बुद्धिमान था, राजा समझदार था, राजा एक ही बात कहता है कि सुनो सुंदरी, जब सुंदरता बढ़ रही थी तब तुम सुंदरता की लाइन लगी थी, और जब किस्मत बढ़ रही थी तो मैं किस्मत की लाइन लगाता। करती है तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज हम 130 करोड़ लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मुस्लिम को, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उनका आंदोलनकारियों क्रांतिकारियों को, जिन्होंने उन 130 करोड़ की लड़ाई लड़ना भी स्वयं स्वीकार किया। आप सब लोगों को धन्यवाद है कि आप सब लोग उन घर में लोगों से भी लड़ाई लड़ रहे हो। आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ।